मीटर भी नहीं है, 100 रुपए किस बात के ले रहे हो? आपकी ट्रेन छूट रही है तो इसीलिए ले रहे हैं। ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा, सोच ही नहीं थी हमने भाई। Incredibly beautiful. व्यू बढ़िया है, ये जूता किसी का पड़ा है रास्ते में, पता नहीं। बर्फ दूर से अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी आस आ रही है कि हाँ स्नोफॉल मिल जाएगी। मिल मैं अभी जा रहा हूँ कहीं, कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन छूट रही है। बारिश आ गई, बारिश बारिश, तो मेरे को छोड़ के जा रहा है। ये जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग करेंगे। यहीं तक था हमारा सफर, अब आके आप हमें मिलिएगा यहीं पे और लेने आइएगा, ठीक है? पब्लिक को नहीं कह रहा भाई, तेरे को कह रहा हूँ, ठीक है? तू लेने आइएगा, आइएगा मुझे, ठीक है? दाँत दाँत चमके चमका तो जल्दी से स्टेशन पे पहुंचते हैं। मैं इतनी भाग के आया हूँ यहाँ पे, और कैसे क्या हुआ है क्या नहीं वो सब बातें बताऊंगा। पहले मैं आपको मिलाता हूँ एक शख्स से जो मेरे साथ है, अली व्लॉग से। अली तो अली व्लॉग साथ में है। अच्छा भाई का नाम भी अली व्लॉग ही हो गया है ना? Right. आपको मेरा नाम पता नहीं, बताओ क्या है? क्या बात कर रहे हो? मो अली? नहीं, मोहम्मद फैज। वो मेरे फोन में अली व्लॉग के नाम से ही सेव है। ज्यादातर लोग मुझे अली व्लॉग से, अली नाम से जानते हैं क्योंकि मेरा चैनल अली व्लॉग से। जाते हुए अभी आवाज में आ रहे थे, कई बोल रहे थे भाई चैनल का नाम बताओ, चैनल का नाम बताओ। उसने भागते हुए ट्रेन से बताओ अली व्लॉग से। कैसे हमारी ट्रेन मिली है, कैसे क्या हुआ है वो बताते हैं हम थोड़ी स्टोरी। सीन क्या हुआ कि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी एक तरह से भाई, मिस हो गई थी भाई। मैं शुरू से बताता हूँ क्या हुआ था। मैं अपने रूम से निकला 10 बजे निकला। मैंने कहा एक घंटा, हमारी ट्रेन थी 11:15 पे। हमने कहा भाई एक घंटा पहले निकल के ट्रेन तो मिल जाएगी। क्या हुआ, ये मेट्रो से आ रहे थे, लेकिन आना इनको शास्त्री पार्क था, शास्त्री नगर आम क्या। मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में ज़्यादातर मेरा आना जाना होता है येलो लाइन पे, रेड लाइन पे बहुत कम होता है। तो भाई ने मुझे बताया कि शास्त्री नगर आना है, ठीक है? तो मैंने शास्त्री पार्क लेफ्ट साइड को शास्त्री पार्क, तो मैं उस वाली में बैठ गया अपोजिट साइड में। और अपोजिट साइड में बैठने के बाद वजह से 2-3 मेट्रो स्टेशन आगे चला गया, और 2-3 मेट्रो स्टेशन के आगे जाने के बाद फिर बाद में बात हुई मेरे यार, हमें तो पीछे जाना था। और फिर एकदम से फिर हम वहाँ से उतरे। ट्रेन थी 11:15 की, और 11:15 के बाद हम 11:11 पे हम उतरे थे। उतर 4 मिनट थी, 4 मिनट के अंदर हम बैठे ही रिक्शा में। रिक्शा में बैठते ही वो सरदार जी थे, उन्होंने बहुत गलत काम किया। वो सीधा यूँ बोले, कह रहे कि 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 1 किलोमीटर भी नहीं है, 100 रुपये किस बात के ले रहे हो? आपकी ट्रेन छूट रही है तो इसीलिए ले रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, छोड़ रहे हम ट्रेन, जाओ। तो बाद में 50 रुपये लेंगे। फिर हम उसमें बैठे और भागे। आप भी सोचोगे कि ऐसे क्यों किया, मैं जाने वाला था उसके साथ, बट मेरे को ये था कि एक बार मना ही करके देगा तो काम कर देगा। बट फिर भी अली ने जाते हुए उसे सोई दे दिए। तो तू खुश हम खुश। हाँ ट्रेन मिल गई थी सामने। ट्रेन मिली, ट्रेन मिली कहाँ थी भाई, वो तो पत्नी हूँ बॉय गॉड। अब भी बिलीव नहीं हो रहा, अब भी नहीं हो रहा, इसीलिए तो मैं बार बार हंस रहा हूँ, खुश हो रहे हैं। कितनी देर से ट्रेन निकल चुकी थी, हम पहुंचे वहाँ, ट्रेन चल रही थी। हाँ। अली पुल पे रुका हुआ था, वगैरह गई भैया चलो वापस चलते हैं घर, चलो वापस चलते हैं घर। तो फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ी सी रुकने लगी, दिमाग में पता नहीं क्या आया। हाँ। उसने ब्रेक लेना शुरू कर दिया। हाँ। चलो भैया, फिर हम भागे, और हम भागे, भागने के बाद कोच में आए। अब यहाँ पे आके ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। का वेट कर रहे, चाय आ जाए तो चाय पी के थोड़ा आराम करेंगे। ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी? ट्रेन सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं 8 बजे 7 बजे, जब भी मिलेंगे। बीच के शॉर्ट्स होंगे कुछ, जरूर दिखाएंगे कुछ ऐसे, और मिलते हैं। आप चैनल पे बने रहो। When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes. Good morning, everyone. ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा, इतनी सोच ही नहीं थी हमने भाई। तो भाई मैं हाफ बाजू की पहन के आया था, और इसके अंदर मैंने अपना फुल स्लीव्स का एक अंदर पहन लिया है, और उसके साथ जैकेट हो गई, और ऊपर से अपना ये भी पहन लिया। ये बहुत दिन से रखा हुआ था, डीकैथलॉन का था, और बहुत दिन से मेरे पास न्यू रखा हुआ था, पहना नहीं था, तो ये भी आज काम आ गया। और इसी के साथ चलते हैं बाहर, अभी पठानकोट पहुंच गई है गाड़ी। तो वैसे हम सोए हैं, उठे हैं डायरेक्ट ना, सो के ही उठे हैं और पहुंच गए हैं। बस 7:54 हुआ है, 6-7 मिनट 5-6 मिनट में पहुँच जाएंगे हम। 8 बजे की गाड़ी थी यहाँ पर पठानकोट की, और अब सीधा पठानकोट ही मिलते हैं बाहर जाके। सच में बहुत ठंड है यहाँ, इतनी
पोपट हो गया, ये स्टेशन है ही नहीं, अगले वाला स्टेशन। गाइस अभी हमारा एक पोपट हो गया, पोपट ये हो गया, हम ब्लॉग शूट कर रहे थे, हमें पता लगा हमारी डेस्टिनेशन आ गई, लेकिन अभी ये वाला है ही नहीं। तो ये कौन, उतर के तो देख ही लेंगे उधर क्या। कैंट है ये, कैंट भाई। मौसम देखो यहाँ का कितना सही है, पठानकोट का कैंट घुमाया भाई मैं तो कैंट। इतनी जल्दी घूम गया और क्या, घूम के आ गया यार ये। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right in a way, but I just love to play in your fun and my games. Always hungry for more, that's just how I was born. Finally, हम पहुंच गए पठानकोट जंक्शन, और ये हमारी ट्रेन है जो सरायरोला से डायरेक्ट पठानकोट आती है। शायद ये डेली आती है सरायरोला से पठानकोट तक। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे यहाँ से, बस स्टैंड पर पहुँच के मिलते हैं आपसे सीधा। ऐसा कुछ दिखता है भाई, पठानकोट रेलवे स्टेशन। सही बता रहा हूँ, उतरने के बाद जो है एनर्जी आई है ना यहाँ, उतरने के बाद जब मौसम हो रखा है बढ़िया, बादल वादल आ रखे हैं बढ़िया, व्यू बढ़िया है। ये जूता किसी का पड़ा है रास्ते में, पता नहीं क्यों पड़ा है ये, एनर्जी है। मुझे पता था हमारी ट्रिप है, इसमें एनर्जी लगी मैंने, और क्या इकट्ठी कर ली है। सही बात है, हाँ सोया पड़ा था ना इसीलिए इकट्ठी कर ली। सामने ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे चलते हैं और पूछते हैं यहाँ से पठानकोट से ढलोसी के लिए कौन से मिलेगी, कितनी देर में जाएगी। महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल। तो बना ही रहूंगा, तो पूछ ही रहूंगा, बताइए ना कहाँ, यहाँ से गलो भी जाना है आपको, बनिगे तक, यहाँ से बनिगे तक बनिगे से आगे, ये वाली बनिगे से 5 किलोमीटर आप बनिगे तो उतार दो, वहाँ से बसेस जाती है ब्रो। हाँ जी हाँ, अगर बस नहीं जाएगी बर्फ गिरी होगी तो भी छोटी जाएगी, फिर छोटी गाड़ी जाएगी। तो भैया कह रहे हैं कि बनिगे तो उतार देंगे, वहाँ से आप डलहौजी चले जाना, 5 किलोमीटर दूर है। हमें बस मिल गई है, ये बस है अपनी सदाबहार हिमाचल रोडवेज की, इस बस में ज़बरदस्त मज़ा आता है। कितने की टिकट है भैया? 260 की दो टिकट है, यहाँ से टाइम लगेगा 3.5 घंटे का। तो यार ये दुनेरा रुकी है अभी बस, और यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं। अब टाइम हो गया है 10:40 हो गए, 12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद। तो अली को भी ले लो बीच में भाई, अली कहाँ है। तो 12 तक यहाँ से, 12:30 के करीब यहाँ से पहुँच जाएंगे, और ढलोजी जाने के लिए बताया उन्होंने जहाँ पे ये उतारेंगे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, वहाँ से देखते हैं कुछ मिलता है। और ये बस जो है वो चंबा की है, चंबा भाई। तो चलो आपको मार्केट दिखा देते हैं यहाँ की कैसी है, चलो वही देखते हैं, विजिट कराते हैं आपको। ये देखो चिलचिलाती हुई धूप, और आपको अगर चक्कर आता है तो भाई आप अपने बैग में पचवाला या खट्टा मीठा कुछ रख के चलो। खट्टा मीठा तो यहाँ भरा पड़ा है, अचार ही अचार है। नहीं नहीं, यहाँ आते भरे पड़े, यहाँ पर आते आते लगता है कि आप जब तक आपका इंतजाम हो जाए। ओ भाई साहब क्या मौसम हो रखा है, मैंने तो अब कैमरे में दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा होगा। ओहो क्या सही लग रहा है, बहुत पता नहीं।
बात, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है सफर, सफर में वो चीज है। चलो पानी चाय वाय पीते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। बढ़िया चाय है तो चाय के मजे लेते हैं, चुस्कियां लेते हैं और मिलते हैं फिर वापस बस में और करते फिर से सफर स्टार्ट। यहाँ से अभी 10:50 हो गए हैं। हाँ यहाँ पे पहली दफा आया हूँ, बाकी हिमाचल में घूमता रहता हूँ, दिल्ली से आया। हाँ तो मिलते हैं फिर बस में। क्या बर्फ दूर की अच्छी लगती है? हाँ यहाँ के लोग तो परेशान हो जाते हैं। जहाँ पड़ती है ना हाँ, जैसे वो पिक्चरों में देखा था स्नो फॉल होते हैं। हाँ 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 कोई सुंदर लगती है, मतलब फोटो में वीडियो में ही अच्छी लगती है, बाकी तो जो झेलते हैं यहाँ पे उनको पता है हो जाते हैं। धूप में शरीर खुलता ना? हाँ वो ठंड में नहीं खुलता, नहीं खुलता। हाँ ठंड में तो कहते ही है विटामिन डी तो वही यही है। तो फिर अब करते हैं थोड़ी देर और चाय पे चर्चा और फिर मिलते हैं बस में वापस और करेंगे फिर सफर स्टार्ट। टाइम हो गया 11:04, 12:30 तक पहुंच जाएंगे शायद हम, और वहां से 5 किलोमीटर दूर है बस डलहौजी। ये पोर्टल था है ना, तो भाई ने बताया कि ये बॉर्डर था हिमाचल का, अब हिमाचल में एंटर हो गया। कौन सा बोल रहे हैं? दुनुहाटी, यहाँ से आगे सब हिमाचल है जो दुनुहाटी, तो पठानकोट से हम बैठे थे और ये बॉर्डर पार हो गए, दुनुहाटी बॉर्डर पार हो गया, अब हिमाचल आगे जो भी है। यहाँ पे अली जो वीडियो बना रहा है, अब देखोगे आप वो अली वीडियो जो अली यहाँ पे बना रहा है। भाई व्यू देखो यार, सच में आप तो पीछे जो बस खड़ी है वो अभी बनीखेत उतारा है उसने, और बनीखेत से यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है, इसके बाद मिलते हैं फिर डलहौजी। लग रही है थोड़ा थोड़ा आस आ रही है, थोड़ी थोड़ी आस आ रही है कि हाँ स्नो फॉल मिल जाएगी, मिल जाएगी। मिले ना मिले, बर्फ बर्फ तो होगी, पड़ी हुई होगी पहले से ही। ये है अभी तक की इंडिया में जो मैंने बस सर्विस देखी है सबसे बेस्ट, हिमाचल पथ परिवहन निगम। यार होटल तो यहाँ पे भी बहुत है, नहीं भाई आपको गाड़ियाँ वगैरह टैक्सी करनी पड़ेगी, यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी, वैसे नहीं जा रहा कोई। नहीं नहीं ये बस तो जा नहीं गई ना, बस ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। चलो पर बस बस तो जाएगी नहीं, टैक्सी करनी पड़ेगी यहाँ से। चलो तो वहाँ पे सामने जितनी टैक्सी खड़ी है वो सब 500 रुपए ले रहे थे डलहौजी तक के 5 किलोमीटर, और यहाँ 100 रुपए ही सवारी है ना, तो यहाँ आने का एक फायदा है कि 100 रुपए में पहुँच जाएंगे और साथ में सब्सक्राइबर मिल गए हमारे नए 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 भाई, ये भाई भी बन जाएंगे, मैं उनको बना दूंगा नए बने। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक और कॉमेंट ज़रूर छोड़ना और सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। तो मिलते हैं एक नए पार्ट में।